नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सिपाही नियुक्ति पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित, प्रभावित होंगे 6800 सिपाही। कांस्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़ी सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बता दें, वर्ष 2015 में हुई 6800 सिपाहियों की नियुक्ति को रीट संख्या 4/2015 के माध्यम से प्रार्थी सुनील टुड्डू और अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में हुई। पूर्व में हाई कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सिपाही के पद पर नियुक्त किए गए करीब 6800 सिपाहियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में सूचित किया जाए कि मामले के अंतिम आदेश से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी। झारखंड में भी सनातन का लहराएगा परचम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। झारखंड के देवघर कॉलेज मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में प्रवचन के दौरान बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मुझे क्या पता था कि देवघर और झारखंड में मेरे बालाजी के इतने पागल हैं। पता होता तो बहुत पहले ही आ जाते। मुझे झारखंड आने से रोका गया। रोकने वाले कान खोल कर सुन लो, ठटरी बंधेगी, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। महादेव का बुलावा आया तो मैं दौड़ा चला आया। अब आ गया हूँ तो जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि लोग कहते थे वहाँ मत जाओ, वहाँ की सरकार परमिशन नहीं देती है। हमने कहा था कोई ऐसा बागेश्वर धाम का पागल आएगा, हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। जो सनातन धर्म और हिंदुत्व का विरोध करेगा उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसी कोई गति नहीं जहाँ बजरंग बली की चली नहीं। उन्होंने कहा है कि अब झारखंड आ गए हैं तो झारखंड में भी सनातन का परचम लहराएगा। केंद्र की सरकार झारखंड के साथ करती है भेदभाव, चंपई सुरेन। पोटका प्रखंड कार्यालय मैदान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सुरेन ने डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। समारोह में पोटका के विधायक संजीव सरदार भी उपस्थित थे। पोटका प्रखंड में 39.94 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के साथ 129 करोड़ लागत की दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास रिमोट दबाकर मुख्यमंत्री ने किया। समारोह में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। सभा में मुख्यमंत्री चंपाई सुरेन ने कहा कि पोटका में डिग्री कॉलेज के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपने घर के नजदीक शिक्षा हासिल करेंगे। आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े और गरीब घरों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर ही झारखंडी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि पोटका में सोना और यूरेनियम जैसी कीमती धातु निकलते हैं। झारखंड बनने के 24 वर्ष बाद भी राज्य अपेक्षित विकास नहीं कर पाया है। दुनिया मानती है मोदी का लोहा, राजनाथ सिंह। झारखंड के इटखोरी में शुक्रवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। बता दें, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को हर मोर्चे पर सफल बताया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ तीसरी बार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को चौथी बार भी भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने देश को करिश्माई नेतृत्व दिया है। उनके शासनकाल में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश का कद ऊँचा हुआ है। आर्थिक मामले में भारत 5 टॉप देशों में शामिल हो गया। वर्ष 2027 तक भारत प्रथम 3 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी तमन्ना है कि भारत सुपर इकोनॉमी पावर बने। ऐसा करिश्मा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हासिल हो सकता है। बीपीएससी तैयारी 3.0 में हिरासत में लिए गए 200 परीक्षार्थी। बिहार में शुक्रवार 15 मार्च को हो रहे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर हजारीबाग के एक होटल में रुके 200 से अधिक परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। होटल कोहिनूर के अलावा बरही और नगवा सिंदूर में भी 3 अन्य बसों को रोका है जिसमें लोग परीक्षा देने जा रहे थे। पूरा मामला शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस के कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये सभी छात्र बिहार में आयोजित हो रही परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। सभी हजारीबाग पुलिस को इस बात की भनकी लगी है। रोमी में प्रशासन ने 2 गाड़ी में विद्यार्थियों को रोका है। कुछ गाड़ी को नगवा टोल प्लाजा के पास रोका गया। हिरासत में लिए गए परीक्षार्थियों से पुलिस गोपनीय जगह में पूछताछ की जा रही है।
गर्मियों में नहीं होगी बिजली की कमी, मुख्य सचिव। गर्मियों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति का निर्देश मुख्य सचिव एल खियागते ने दिया है। शुक्रवार को वरीय अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में बैठक के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि गर्मी में बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए, अधिकारी इसका ध्यान रखे और पहले से ही पूरी तैयारी रखे। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग अधिक बढ़ जाती है। बीते वर्ष ज़्यादा गर्मी पड़ने पर मांग बढ़कर 3000 मेगावाट तक चली गई थी। इसके लिए पहले से पावर एक्सचेंज के साथ समन्वय स्थापित किया जाए ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य को बिजली की आपूर्ति सामान्य रहे। कोडरमा में पशु लोड 3 वाहन जब्त, 13 गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने कोडरमा के रास्ते हो रही पशु तस्करी पर शिकंजा कसा है। एसपी अनुदीप सिंह को मिली सूचना के आधार पर कोडरमा व चंदवारा थाना की पुलिस ने पशु लोड 3 वाहनों को जब्त किया है, जबकि इस मामले में कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया। चंदवारा पुलिस ने 5 आरोपियों 23 वर्षीय मोहम्मद एकलाख खान, वहीं 24 वर्षीय रागीव खान और 21 वर्षीय अहमद राज और 62 वर्षीय शहीद नौकी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कोडरमा पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है, इसमें आजाद कुमार यादव शामिल हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सेगेल अभियान का शक्ति प्रदर्शन। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आदिवासी सेगेल अभियान की ओर से नया मोड़ बिरसा चौक से उपायुक्त बोकारो कार्यालय तक शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुखदेव मुर्मू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बोकारो उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव के माध्यम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सुपुर्द किया। जिला अध्यक्ष श्री मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि इनको अब तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली, जबकि सेंगेल लंबे समय से अपनी अलग धार्मिक पहचान के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में सरना धर्म कोड लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को खुला ऑफर दिया है, सरना धर्म कोड लागू करो और आदिवासी का वोट लो। वहीं प्रदेश संयोजक करमचंद्र हंसदा ने कहा है कि 31 मार्च तक कोई सकारात्मक घोषणा नहीं होने पर 7 अप्रैल को आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री ने मरांग बुरु व जाहेर आयोग के चरण में माथा टेका। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को अपने पैतृक गांव जिलिंग गोड्डा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। गांव के बाहर बने हेलीपैड में उतरने के बाद वे सीधे अपने घर पहुंचे, जहां कुछ देर रुकने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में बाहा भोगा कार्यक्रम में जाहेर थान गए। जाहेर थान में मरांग बुरु, जाहेर आयो, लिट्टा मोड़े व तुरुको के चरणों में नतमस्तक हुए। उसके बाद देवी देवताओं के आशीष स्वरूप नायके बाबा के हाथों से सारजोम फूल ग्रहण किया। उसने सारजोम बाहा को अपने कानों में लगाया। ईडी ईमानदारी से काम करे तो कई भाजपा नेता जाएंगे जेल, झामुमो। हेमंत सोरेन मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ झामुमो का उपवास 30वें दिन भी जारी रहा। रांची के मोराबादी मैदान के पास बापू वाटिका के समक्ष आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व शुक्रवार को झामुमो बोकारो जिला अध्यक्ष हीरा लाल मांझी ने किया, जिसमें गिरिडीह और रांची जिला के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। हीरालाल मांझी ने कहा है कि न्याय यात्रा निकाल कर हमारे कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों द्वारा हमारे नेता हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया है। लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप, 1600 छात्रों ने दी परीक्षा, सिर्फ 37 पास। रांची विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों के करीब 150 छात्र विरोध प्रदर्शन करने विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि यूजी सेमेस्टर 4 में 1600 में महज 37 छात्रों को ही पास किया गया, जबकि 1563 छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। इसके विरोध में छात्र 12 बजे विश्वविद्यालय पहुंचे। उस समय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था, इसलिए विश्वविद्यालय में न अधिकारी थे और न ही कोई कर्मचारी। दोपहर 3 बजे कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार ने परीक्षा विभाग के कर्मचारी सुधीर मंडल को विश्वविद्यालय भेजा। सुधीर मंडल ने छात्रों से एक आवेदन बनाने को कहा, जिसमें सभी का रोल नंबर और डिटेल मांगे हैं। मंडल ने छात्रों की समस्या सुनी और कहा है कि मैं आपकी समस्याओं को कुलपति और परीक्षा नियंत्रक तक पहुँचा दूंगा। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर अहमदाबाद से हुआ लीक। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर अहमदाबाद में प्रिंट होने के लिए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन पेपर को यूपी लाने का टेंडर अहमदाबाद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया था, जिसके 2 कर्मियों ने यहाँ काम कर चुके अभिषेक शुक्ला के साथ मिलकर पेपर लीक कर दिया।
जिन सील्ड बॉक्स में परीक्षा के क्वेश्चन पेपर रखे गए थे उस बॉक्स को तोड़ने के लिए आरोपियों ने पटना से स्पेशलिस्ट को बुलाया था। बॉक्स तोड़ने के बाद उन्होंने पेपर की फोटो खींची और उसे पेपर लीक करने वाले माफियाओं को भेज दिया। बता दें कि UPSTF ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के दोनों कर्मियों सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडिया गठबंधन झामुमो कांग्रेस में 6-6 सीट का बंटवारा। झारखंड में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है, जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूले 7-5-1-1 का है, यानी 7 सीट कांग्रेस, 5 सीट झामुमो, 1 सीट रायत व 1 सीट वाम दल को मिलेगी। हालांकि 1 सीट को लेकर अभी भी झामुमो व कांग्रेस में सहमति बनने का प्रयास चल रहा है, वह सीट लोहरदगा है। सूत्रों ने बताया कि लोहरदगा सीट यदि झामुमो को मिल जाती है तो झामुमो कांग्रेस में 6-6 सीट का बंटवारा होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसे अपनी परंपरागत सीट बताकर झामुमो को देने से इनकार कर रही है। पीजीटी परीक्षा में आंसर की जवलिंग क्यों की गई HC। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आंसर की जवलिंग करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि परीक्षा के आंसर की जवलिंग क्यों की गई। अदालत ने अभ्यर्थियों के डिटेल डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से दोनों प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के पक्ष में मांगा समर्थन। भाजपा राजमहल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से राजमहल लोकसभा क्षेत्र को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लाभार्थियों से संपर्क स्थापित कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के साथ हर कार्य को क्षेत्र में कार्य करना है, वहीं हर काम को आगे बढ़ाकर करना है और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। साहेबगंज में 14 केंद्रों पर होगी JPSC की परीक्षा। JPSC प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को होनी है। परीक्षा के लिए साहेबगंज जिले में कुल 14 केंद्र बनाए गए हैं। साहेबगंज DC हेमंत सती ने अधिकारियों व केंद्राध्यक्षों के साथ बैठक कर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया। समाहरणालय सभागार हुई बैठक में DC ने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। जिले के कुल 3768 अभ्यर्थी परीक्षा शामिल में होंगे। वहीं उन्होंने केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा केंद्र पर पीने के पानी, प्रकाश, पंखा व शौचालय, CCTV कैमरा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। लातेहार DC ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में उपायुक्त गरिमा सिंह ने शुक्रवार को लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसित कर शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है। जनता दरबार में कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिक अबुआ आवास के लाभों चयन में गड़बड़ी के थे। इसके अलावा वज्रपात में हुई क्षति का मुआवजा देने व नियोजन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जनता दरबार में आए आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर पूरी संवेदनशीलता के साथ निष्पादित करने का निर्देश दिया है। कम मतदान वाले केंद्रों पर हुआ मॉक पोल। आगामी लोकसभा चुनाव में 80% से अधिक मतदान को सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत पांकी विधानसभा अंतर्गत लेस्लीगंज, तरहसी और पांकी के 5 बूथों पर काल्पनिक मतदान कराया गया। इन मतदान केंद्रों पर पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से कम वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया था। सबसे खास बात रही कि इन केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में फ्यूचर वोटर को तैनात किया गया था। इनके द्वारा सभी ने बूथों पर मतदान करने आए स्थानीय वोटरों का नाम मतदाता सूची से मिलान कर संबंधित मतदाता के उंगली पर स्याही लगाई गई। इस क्रम में EVM के कटआउट पर मतदान कराया गया। अल्पसंख्यक समाज के लोग अब आ रहे RSS के नज़दीक। देश के 140 करोड़ लोग हिंदू हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है और भारत माता एक है। अल्पसंख्यक समाज के लोग संघ की शाखा में वर्षों से सक्रिय हैं, परंतु उनमें जिस भय का निर्माण किया जा रहा था अब वह दूर हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोग अब RSS के नज़दीक आ रहे हैं, यह कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य का।
उन्होंने यह बात नागपुर में शुक्रवार को आरएसएस के 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के शुभारंभ के बाद पत्रकार वार्ता में राम मंदिर उद्घाटन के बाद अल्पसंख्यकों के बीच संघ अपनी सक्रियता कैसे बढ़ाएगा से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि संघ सभी को साथ लेकर चलता है, संघ कार्य बढ़ रहा है। धन्यवाद।